OIC की बैठक से पहले पाकिस्तान की बड़ी फजीहत भी हुई है, क्योंकि बैठक के लिए सिर्फ 24 देश ऐसे थे जो इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन में 57 देशों को न्योता था और यहां पर केवल 24 देश पहुंचे। आपको बता दें कि आज से पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक है। इसमें तालिबान पर इमरान की फजीहत हो सकती है, यह भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे OIC की बैठक में खुद पाकिस्तान की किरकिरी हो सकती है। OIC जो कि मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसमें मुस्लिम देशों के 56 देश हैं, वो कैसे उसके ज्यादातर देश अब पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। ज्यादातर मुस्लिम देश OIC की बैठक में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ी फजीहत है क्योंकि पाकिस्तान 57 देश है जिसमें जो पाकिस्तान में OIC देशों की बैठक हो रही है उसमें पहली बार ऐसा रुख देखने को मिल रहा है। 57 देशों को न्योता भेजा गया लेकिन सिर्फ 24 देश पाकिस्तान पहुंचे हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी किरकिरी का सबब है। किरकिरी से बचने के लिए देशों की लिस्ट छिपा रहा है पाकिस्तान। वो देशों की लिस्ट नहीं बता रहा कि कौन कौन से देश नहीं आ रहे। पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा है कि विदेश मंत्री ने माना है कि 24 देश ही आ रहे हैं और इसके अलावा तालिबान पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं इमरान खान। कश्मीर के मुद्दे पर तो उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम देश एक साथ नहीं आ रहे, अब तालिबान के मुद्दे पर वो एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कैसे जब 24 देश ही आए हैं। तो अफगानिस्तान अभी तक OIC का सदस्य नहीं है, तालिबान की नई सरकार है वहां पर, पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है तालिबान की पैरवी, ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्योंकि कई सारे मुस्लिम देश भी तालिबान की नई सरकार के साथ अपने संबंध नहीं बनाना चाहते। कई इस्लामिक देशों ने तालिबान से दूरी बनाए रखी है और उनकी राय पाकिस्तान से जुदा है, इसलिए क्या ये OIC की मीटिंग भी अब वहां पर एक किरकिरी हो सकती है। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास आता हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, देखिए यहां पर एक बात अभी आई कि वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को लोग एंडोर्स नहीं करते। हो सकता है एक पढ़ी लिखी जमात होगी पाकिस्तान में जो वाकई नहीं एंडोर्स करती होगी और मैं उनका मानता हूं कि ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान में जिनकी रोजी रोटी एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर ही चलती है। बहुत बड़ी जमात है जिनको पाकिस्तान के लीडर्स ऐसे ही एड्रेस करते हैं और अपनी कमियां छुपाते हैं। क्या इमरान खान वही करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए इमरान खान की जो अभी सिचुएशन है वो काफ़ी नाजुक है और उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि देखिए वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सरबरा नहीं है पाकिस्तान के, वो सेलेक्टेड हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उनको काबिज़ किया है। आप देखिए जब से वो आए हैं 2018 से 22 बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया है IMF को कि उनको माली इमदाद दी जाए। आप ये देखिए अगर 24 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं OIC में, तो इससे बड़ी शिकस्त पाकिस्तान के लिए क्या होगी कि वो एक कलेक्टिव जो सपोर्ट है उसको गार्नर नहीं कर पा रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां वो हमेशा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट या जो हमारे जो रिलेशंस हैं सारे देशों से, वो ये चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे रहें। पाकिस्तान ने जिस तरह की रहनुमाई दी है, इमरान खान ने जिस तरह की रहनुमाई पाकिस्तान को दी है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ नहीं है, क्योंकि उनसे काफ़ी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा किया था कि मैं करप्शन को कर दूंगा। हाल ही में देखिए आप ग्वादर में लोग पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, चाइना भी देखिए उसका भी जो फाइनेंशियल स्टेमिना है वो खत्म होता जा रहा है। ग्वादर एयरपोर्ट खुद जो सी पोर्ट है वो खुद एक बड़ी नाजुक स्थिति में अभी पड़ा हुआ है। वहां पाकिस्तान आर्मी खुद उनके जो कंसाइनमेंट जा रहे हैं उनको एस्कॉर्ट कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।